दुनिया में बहुत से तानाशाह हुए हैं जो अपनी बर्बरता और तानाशाही की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक खूंखार तानाशाह रोमानिया में भी था, जिसे लोग ड्रैकुला नाम से बुलाते थे। कहते हैं कि जिस तरह किस्से कहानियों वाला ड्रैकुला इंसानी खून पीता था, उसी तरह ये तानाशाह भी इंसानों का खून पीता था। इस खतरनाक तानाशाह का नाम व्लाद III ड्रैकुला था, जो वर्ष 1431 में रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि एक लड़ाई में व्लाद III ने अपने सैकड़ों दुश्मनों को मारकर भालों में टांग दिया था। वो नज़ारा बेहद ही भयानक था। वालासिया के शासक रहे व्लाद के बारे में ये भी कहते हैं कि उसे खाना खाते समय क्रूर हत्याएं देखने में बड़ा मज़ा आता था। ऐसा भी कहा जाता है कि व्लाद ने अपने पूरे शासनकाल में 20 से 30 हज़ार लोगों को क्रूर तरीके से मारने की सजा सुनाई थी।